पार्टी के बाप राहुल गांधी एक साल के अंदर हम 2 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां बनती है और ये बात करते हैं। आपने पिछली बार भी 72 लाख रुपए दे करके एक प्रयोग किया था, वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ। आपने पिछली बार भी 72 लाख रुपए दे करके एक प्रयोग किया था, वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ। ऐसे में R9 के कुछ सवाल हैं, उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। क्या राज्यों के चुनावी मुद्दों से भटक रही हैं पार्टियां? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होंगे सभी चुनाव? क्यों बिजली पानी सड़क राज्यों के चुनावी मुद्दों से गायब है? 370 और पाकिस्तान क्यों बन गया है चुनावी मुद्दा? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा जो है वो घूमेगी। हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं के मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है, और एके मिश्रा जी और जनता को दूसरी तरफ जेजेपी के बैठे हैं वो भी कह रहे हैं मेहंदी लगवाती जो है राष्ट्र मुद्दों पर काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, बीजेपी की बलात्कार करने का काम किया, इनके पूर्व गृह मंत्री ने किया, इनके विधायक ने एक लड़की का बलात्कार करके जेल में दम गए, प्रियंका गांधी जी आवाज अब आप वही काम कर रहे हैं जो आप रेणु भाटिया को कह रहे नहीं करें। एके मिश्रा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि ये 2 मुद्दे हैं और पॉलिटिकल बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए तो शायद वो यूज करें, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की भी हम बात कर ले, अभी मैं जाऊंगी शिवसेना के संजय द्विवेदी भी जुड़े हुए, क्यों मुद्दे नहीं उठ रहे हैं सर? मुद्दे गौण क्यों हो जा रहे हैं और क्यों विपक्ष यहां पर कमजोर हो जा रहा है इन मुद्दों को उठाने में? देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं, हर पार्टी का अपना अपना रणनीति होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। बीजेपी को लग रहा है जिसके पास जो है वो वही तो शस्त्र चलाएगा। अगर बीजेपी किसी मुद्दे को हाईलाइट कर रही है तो उन्होंने केयरफुली ये सोचा होगा, रिसर्च किया होगा कि इस मुद्दे का असर होगा, इससे हमें ज्यादा वोट मिलेगा। सेम कंडीशन विपक्ष की है। देखिए अब विपक्ष किन चीजों पर बात कर रहा है, जिन चीजों पर बीजेपी बात कर रही है विपक्ष उसको टच ही नहीं कर रहा है, और जिन चीजों को विपक्ष टच कर रहा है बीजेपी उसके बारे में तनिक भी मुंह नहीं खोल रही है। दोनों पार्टियों की अपनी रणनीति है। देखा यह जाता है कि दोनों पार्टियों के पास है क्या चलाने के लिए, जिनके पास जो है चलाने के लिए वो चला रहे हैं। अल्टीमेटली मैं बताऊंगा, इलेक्शन जो 1 महीने 1.5 महीने की कैंपेनिंग होती है, सारी पार्टियों का फोकस होता है कि हम चुनाव जीते, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। जहां से उनको यह दिखेगा कि हम इस तरीके से जीत सकते हैं वो करेंगे। विपक्ष की अपनी रणनीति है, बीजेपी की अपनी रणनीति है। देखना यह है कि कौन जीतेगा। अगर विपक्ष जीत जाती है तो हम ये बोलेंगे बाद में कि हाँ भाई, इनके मुद्दे इफेक्टिव थे, प्रभावी थे, बढ़िया थे, जनता ने एक्सेप्ट किया। आपके मुद्दे कितने भी अच्छे हों लेकिन जनता को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आप हार जाएंगे, आप विपक्ष में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो ये सिंपल सी चीज ये है कि जिसके पास जो चीज है वो दिखा रहा है। बीजेपी अगर लोकल मुद्दों को नहीं उठा रही है तो इसका मतलब है वो ये समझती है कि जो लोकल मुद्दे हैं काम किए या नहीं किए उससे ज्यादा असर पड़ेगा हमारे नेशनल मुद्दों का। विपक्ष अगर लोकल मुद्दे उठा रही है कि ये काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, तो उसकी मजबूरी ये है कि चूंकि आप सत्ता में हो नहीं तो आप क्या, आपने तो काम किया ही नहीं। और भी तो है विपक्ष का कि आप उन मुद्दों को जनता के सामने ले नहीं जा रहे। मैं बिल्कुल बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि एक चुनाव हारने का मतलब स्पेशली विपक्ष के लिए आप बड़े कमजोर हो जाते हो। कमजोर ऐसे हो जाते हो, आपको काम करने का मौका मिलता नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आपके पास ऑप्शन एक ही रह जाता है कि सत्ता पक्ष में जो है उसको क्रिटिसाइज करें, उसके क्रिटिसिज्म को ही उसका मुद्दा बनाया जाए। अब बीजेपी अगर विपक्ष में होगी तो बीजेपी का भी होगा। दोनों के लिए यहां पे देखने वाली एक बड़ी खास बात है जो मैं देख रहा हूं, ग्रोथ की बातें दोनों पार्टी नहीं कर रही है। जो हार्डकोर ग्रोथ की बातें होती है ना स्टेट या देश के डेवलपमेंट की, वो न पक्ष कर रहा है न विपक्ष। जैसे तो कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा और परिभाषा दोनों अब बदलती जा रही है। इसके पीछे हजारों साल का इतिहास। देखिए मैं बोलता हूं, भारत एक बड़ा भावना प्रधान देश है। आपने देखा होगा तो लोकसभा का इलेक्शन तो इसी पे लड़ा बीजेपी नहीं, इससे नहीं, आप इसके पहले जाइए यूपी वगैरह में, एक एक नारे पे एक पार्टी बन गई और उनकी सरकार बन गई। उन्होंने 10-10 साल 15-15 साल केवल एक नारे पे, एक स्लोगन पे, केवल एक मुद्दे में जिसमें विकास का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, 15-15 साल इन्होंने किया है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो इतना बड़ा बहुमत जो आया था वो एक भावना के कारण आया था। आज से नहीं है, ये चलता आया है, इसके पहले भी आप देखिए। लेकिन अब क्योंकि ये बात बार बार उठ रही है कि ये मुद्दे कहां चले गए हैं,
देखिए बीजेपी और शिवसेना दोनों में भी इनमें भी डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये डिस्प्यूट को बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लेते हैं। डैमेज कंट्रोल इनका अच्छा है। विपक्ष में जो डिस्प्यूट होता है वो होते पहले तो वो मिले होते हैं, वो डिस्प्यूट होते होते इस लेवल तक पहुंच जाता है कि वो एक नहीं हो पाते हैं और अपनी ही पार्टी का जो इंटरनल डिस्प्यूट होता है वो भी उनको डैमेज कर जाता है। इसका फायदा देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि राजनीति में किसी एक पार्टी का कमजोरी जो होता है वो उनके विपक्ष का उनके राइवल के लिए सबसे बड़ी मजबूती होती है। जो आपने बोला कि विपक्ष बहुत बटा हुआ है, बड़ा कमजोर है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? बीजेपी को मिलता है और नेचुरल फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं जीत में एक बहुत बड़ा कारक यह है कि विपक्ष यूनाइटेड नहीं है या बड़ा कमजोर है। नो मैटर, मैं इस चीज को भी मानता हूं कि हर चुनाव विपक्ष के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन केवल अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रेटजी चाहिए। बीजेपी इस चीज में भी बेटर है इन कंपैरिजन ऑफ विपक्ष की किसी पार्टी से, तो इसीलिए वो अच्छा परफॉर्म कर जाती है। श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विपक्ष रहा है, इस वजह से लोगों को लगता है विपक्ष कमजोर है लेकिन बिखरा हुआ नहीं है। दूसरी चीज, आप जिस बात को कह रहे हैं कि लोकल मुद्दे कौन छुएगा, अभी हमारे नेता राहुल साहब जी, थोड़ा मैं बोल, विपक्ष मजबूत है लेकिन बिखरावट ही उसकी कमजोरी है। श्वेता जी, अभी हरियाणा के अंदर रैली हुई, सुनने की कोशिश करिए, विपक्ष की रोजगार के मुद्दे पे स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, ये आप माने या ना माने, आंकड़े यही कहते हैं। जनता मानती है, हम लोगों ने पारदर्शिता से जितना भी रोजगार दिया, थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, पारदर्शिता से दिया, कोई ये नहीं कह सकता आपके मुखिया की तरह झोलिए कसीदे नहीं कर सकते हम। जनता एक ही मिश्रा यही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक जो पार्टी है जो दोनों जगह सत्ता में है और कहले केंद्र में भी सत्ता में है, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सरकार है, अब ऐसे में बीजेपी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उसे दोबारा रिपीट करना है और उसने काम भी किया है, तो वो काम हालांकि उस लेवल तक का काम नहीं हुआ, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं निभाए हैं, लेकिन राष्ट्र मुद्दे और लोकल मुद्दे जो उन्होंने काम किया है, इन दोनों को कहकर बातें करकर वो शायद सत्ता में रिपीट होना चाहे, लेकिन ये जो बिखराव कांग्रेस हो चाहे लोकल पार्टियां, हम देख ले कि जिस तरीके से इन्हें मुद्दे उठाने चाहिए ये भी कहीं ना कहीं विफल रह रही हैं उन मुद्दों को इनकैश कराने में। शिवसेना भले बीजेपी के सपोर्ट में है, गठबंधन में है, लेकिन शिवसेना को भी क्या उस तरीके से मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जो वहां के महाराष्ट्र के लोकल मुद्दे हैं? वो भी कह रही है 370 पर, अगर बीजेपी कह रही है तो क्या गलत कह रही है? नहीं देखिए, मैं बताऊं, जब भी स्ट्रेटजी बनती है ना तो मिक्स होता है पूरा, ऐसा नहीं। अब चूंकि बीजेपी नेशनल स्तर की पार्टी है तो उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर उन्होंने बिहार में या यूपी में कोई अच्छा काम, आप इलेक्शन को याद करिए 2014 को, मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखा के पूरा देश जीत लिया। तो जब आप नेशनल लेवल पे होते हैं तो ये फायदा होता है। बीजेपी ने इसकी भी बात कर लीजिए सर, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बालाकोट यानी पाकिस्तान में जो चीजें हुई है उसको दिखा के जीत लिया। इमोशन हाई पे रेणु भाटिया, रेणु भाटिया जी आप मानेंगी, एक तरफ स्ट्रेटजी अलग हो रही थी, पहले उन्हें जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल ये मजबूती होती है और ये विपक्ष की कमजोरी है। अब विपक्ष की कमजोरी मैंने बोला, जाकर दूसरे देशों में भी इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, फायदा रहती है
अपनी रणनीति बहुत होशियारी से बनानी पड़ेगी कि कैसे वो दुश्मनों के चाल में फंसने से बचे, कैसे डेंट को, कैसे अटैक को मैनेज करें। दो चीजें देखना है कि जो बीजेपी अटैक कर रही है उसको कैसे मैनेज करेंगे, सेल्फ डेंट को कैसे करेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर आप बीजेपी के ऊपर यूएसपी क्या देंगे, एडिशनल क्या देंगे, आप जब आएंगे छोटे हैं या बड़े हैं एडिशनल बेनिफिट कैसे देंगे, ये सारी चीजें देख करके दो तीन स्तर की चार स्तर की स्ट्रेटजी ये बनती है बीजेपी। इसमें देखिए बीजेपी का अभी जिस हिसाब से इनका राज्य है सब जगह ना, ये तो झारखंड में भी कोई बढ़िया काम हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, हर जगह एग्जाम्पल दे सकते हैं। इनके बकेट्स में बहुत सारे जो है चीजें हैं जो बताने के लिए। शिवसेना की बात मैं और कर लूं, देखिए बीजेपी और शिवसेना की आइडियोलॉजी इतनी क्लोज है ना, ये भले रोज लड़े लेकिन ये लड़ाई घर की है, कोई भी जीतेगा अल्टीमेटली, मतलब दोनों एक रहेंगे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, साथ नहीं छोड़ेंगे, डिस्प्यूट है वो मीडिया में आते रहेंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे का अस्तित्व दोनों से है। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को चाहिए तो शिवसेना चाहिए, बीजेपी को अपना अस्तित्व चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मिश्रा जी, तो ऐसा ही तो कांग्रेस और एनसीपी के हाल है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आती है मीडिया में कि एनसीपी में विलय हो रहा है, एनसीपी का विलय हो रहा है, फिर शरद पवार का ये बयान कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात कह गए शरद पवार। हाल दोनों का एक है लेकिन कांग्रेस और एनसीपी बड़ी कमजोर है, वहां पे वो लोग बड़े मजबूत हैं दोनों लोग। आप देखिए इनके वादों से देखिए, इनके इरादों से, इनके टास्क को देखिए। अब यहाँ पे महाराष्ट्र में देखिए एनसीपी और कांग्रेस में कौन कौन से लीडर स्टार प्रचारक है आप मुझे बताइए। कांग्रेस से राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं। मैं फिर पूछूंगा, महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, क्या कोई लोकल लीडर नहीं है, जिला स्तर पे लीडर नहीं है? जो थे संजय निरूपम मुंबई के, उनका हाल आपने देख लिया, फूट तो पहले ही दिख गई। तो जो जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं ना कि इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है लीडर कैसे बचाए, मैं बोलता हूं बीजेपी चौतरफा जो वार कर रही है उससे बचा कैसे जाए। नसीम खान ने इनको इनको सोचना पड़ेगा ना कि कैसे लीडर बचाए। ये स्टार प्रचारक को उतारे, स्टार प्रचारक का नाम आता है, राहुल गांधी छुट्टी पे चले जाते हैं, खट्टर राजनेता सरकार बनाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। अब आप सरकार बनाइए, आप लोगों को बोलने दिया, आप लोगों की परेशानी है, कांग्रेस बोलती है। तो सवाल पूछा, छोड़िए अब मुझे, आपने पिछली बार भी 72 करोड़ रुपए दे करके बालाकोट, रेणु भाटिया, राम मंदिर, इन मुद्दों पर जब तक ये लोग रहेंगे, आप ही का मुद्दा बोल रहे हैं, ये लोग रहेंगे, ये जीते रहेंगे, ये जीते रहेंगे, रहेगी, अरे नसीबदार रहेगी, आप कांग्रेस की तरफ बढ़ती रहेगी, अरे आप लोग चिंतित नहीं है, हरियाणा के अंदर मारुति की फैक्ट्री नसीम खान परसों बार बंद हुई है, आप चिंतित नहीं है, आप बीजेपी के मुद्दा लाखों लोगों की नौकरी, आप चिंतित नहीं है, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम पे, आप चिंतित नहीं है, आप सरकार का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे बीच में जब तक नहीं बोल आप क्या बोल रहे हैं, आप मैथमेटिक्स नहीं समझा पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यही चीज आप चुनाव में अपना लीजिए ना कि जब जब ये जीतेंगे आप इनको जीतने नहीं देंगे, वहां फेल हो जाते हैं, यहाँ आप चिल्ला रहे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करिए, उससे भला होगा, नहीं जीतने देंगे, एसी रूम में बैठ करके किसान नहीं जीतने, एसी रूम में बैठ कर
हरियाणा महाराष्ट्र के किसान जो आत्महत्या वो इन्हें नहीं जीतने देंगे। चलिए ठीक है, हमारी शुभकामनाएं। एक बार मैं बोल लूं मोदी को भी याद, मोदी के लिए आप बैठे हो, मोदी के लिए आप बैठे हो, साल का फेल यार, आप बैठे हो, आपके राज्य पर साल लगाने के लिए मोदी से आप बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, अब नई बात आकर के तांडव करता है और उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, कल एक करवा चौथ पे मेहंदी लगाई महिला के ऊपर, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी एके मिश्रा आपसे, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी सर, टाइम बहुत कम है। देखिए मैंने आपको बताया कि चुनाव एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम है, विपक्ष की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपने राइवल के रणनीति को समझना नहीं, कमतर करके आप आंकना, अगर आप समझ गए तो उस हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे, इसी के कारण वो हारते चले जा रहे हैं। जहां इन्होंने अच्छे से काम किया, पब्लिक ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। मैं फोकस करूंगा कि हर इलेक्शन विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है सर, आप इंप्रूव करिए अपने आप को, आपका राइवल आपके अगेंस्ट में बहुत मजबूत है।